हेलो फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम मस्त, भली चंगी। और आज है मेरे लिए बहुत ही स्पेशल दिन, क्योंकि आज है मेरा बर्थडे। तो आज है 25 अप्रैल। तो अगर आप लोग भी मुझे अपनी अच्छी अच्छी विशेष देना चाहते हैं तो प्लीज़ ज़रूर दीजिएगा। बड़े लोग आशीर्वाद और छोटे लोग प्यार ज़रूर से दीजिएगा मुझे। और सबसे अच्छा गिफ्ट ऐसे बोलते हैं कि आशीर्वाद ही होता है। और बच्चों को मैंने स्कूल भेज दिया है, और खाने में मैंने बनाए हैं कढ़ी चावल और आटा गूंद दिया है, रोटी बनेगी। और अभी पहले मैं करूँगी ये इतने सारे कपड़े तह, क्योंकि ना मतलब दो दिन तीन दिन में धुले थे, तो मैंने सोचा इकट्ठे कर दूंगी। और इकट्ठे करने के चक्कर में ना इतने सारे इकट्ठे हो जाते हैं। और अभी आराम से बैठ के इन्हें तह करूँगी, और फिर उसके बाद मैं होंगी रेडी। तो चलिए फिर मैं आपको मिलती हूँ तैयार होने के बाद। तो फैमिली, मैं यहाँ नहा के आ चुकी हूँ, और मैंने आज पहना है ये वाला कॉर्ड सेट और पैरेट कलर। हेलो, हाँ नमस्ते भाई, थैंक यू। अब क्या गिफ्ट देगा? गिफ्ट गिफ्ट होता है, कुछ भी दे दे। और गोबर पैक करके मत दे दियो कहीं कहेगा तूने कही थी गिफ्ट गिफ्ट होता है। अच्छा भाई, आज बर्थडे है और आज तो बस फोन ही चलते रहेंगे, किसी का स्टेटस, किसी की वीडियो कॉल। और सच में मतलब बर्थडे आता तो अंदर से खुशी तो होती है, देखो चाहे हम कितने बुढ़े हो जाए पर बर्थडे का क्रेज तो वही रहता है। किसी किसी में नहीं रहता, पर मुझ में तो पूरा पूरा बर्थडे का क्रेज रहता है। मुझे तो बहुत रहता है भाई, मेरा बर्थडे है, मेरा बर्थडे आने वाला है। मैं तो पहले से ही पति देव के, बच्चों के, सबके कान खड़े करती रहती हूँ, मेरा बर्थडे आ रहा है, मेरा बर्थडे आ रहा है। फिर बाद में यूँ ना कहे ना, हो पता ही नहीं था, हम तो भूल गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये है मेरा आज का पहला गिफ्ट, और ये मेरे बच्चों ने दिया है मुझे कोड सेट। ये देखो, सिंपल सा है, डेली वेयर का, और इस तरह का है, पैरेट कलर है, चटक पैरेट कलर नहीं है, डल पैरेट कलर है, जो काफी अच्छा लग रहा है। और ये मैं खुद ही लेके आई थी और अपने सूट वगैरह के साथ, तो बच्चों ने ये बोला कि मम्मी ये हमारी तरफ से है, तो इसके पैसे हम दे देंगे। और भाई मैं इसी तरह की मम्मी हूँ, मैं गिफ्ट के चक्कर में ना पैसों में आग नहीं लगवाती। तो मैं मार्केट गई थी, वहां से मैं अपने दो तीन सूट वगैरह लेके आई थी और ये कोट सेट भी लेके आई थी। तो बच्चे बोले मम्मी ये तो हमारी तरफ से है आपका बर्थडे गिफ्ट, तो ये आप अपने बर्थडे पे पहनना, पैसे हम अपनी पॉकेट मनी में से दे देंगे। और बोले कि ये हम अपनी तरफ से दे रहे हैं, आप नहीं लाओगे तो हम पापा से मंगवाएंगे। और भाई ये रिस्क मैं नहीं ले सकती, क्योंकि अगर वो अपने पापा से मंगाएंगे या ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे तो कुछ भी मंगा लेंगे, साइज नहीं आएगा या तो कपड़ों में, या साइज अगर आप, या पता नहीं क्वालिटी कैसे होगी। और मैं उन लोगों में से हूँ जो चीज को हाथ में लेके प्राइस क्वालिटी सबको कंपेयर करके तब चीज खरीदती हूँ। और ठीक भी रहता है भाई, घर में है ना, घर के लोगों से तो कह के ले सकते हैं ना, बाहर वालों में थोड़ा रहता है कि अब जिसने जो दे दिया सो दे दिया, लेकिन घर में तो ये रहता है कि भाई जब लेना ही है, घर के ही पैसे हैं, तो अच्छे से यूज कर लो ना, क्यों वेस्ट करने हैं। और कौन कौन मेरे जैसा है बताना जरूर भाई, मैं तो ऐसी हूँ। तो ये मैंने खुद ही खरीदा था बच्चों की तरफ से, फिर बच्चे कुछ भी उठा के लाते तो इससे अच्छा मैं खुद ही ले लूं जो मुझे चाहिए। तो ये मैंने, ये देखो अभी ऐसी फिटिंग है, और मुझे लग रहा है हल्का सा ये यहाँ से अगर ऐसा हो जाए ना, ये तो ये ज्यादा बेटर लग रहा है, मतलब यहाँ से हल्का सा टाइट चाहिए। देखो ये आज तो ये जैसा है मैं ऐसा ही पहनूंगी, करूंगी फिटिंग तो बाद में करूंगी, क्योंकि एक बार धो लूं श्रिंक हो ना हो। ये कॉटन रियोन मिक्स सा कपड़ा है, थोड़ा सा थिक सा कपड़ा है, अच्छा कपड़ा है, मतलब अच्छा लगा मुझे। और ये देखो इस पे ना सारी कढ़ाई हो रही है, मतलब प्रिंट नहीं है, कढ़ाई है, जो कि काफी अच्छी लगी मुझे तो, मतलब बिल्कुल ना ऐसी कढ़ाई है, बारीक बारीक सी, बहुत ज्यादा ऐसी उठी उठी सी नहीं है, और डेली वेयर के लिए बिल्कुल मुझे तो परफेक्ट लगा। बाकी पहनूंगी, अभी थोड़ा यूज करूंगी, दो चार बार तब बताई दूंगी आपको। देखिए मैं तो हो गई हूँ रेडी अपने बर्थडे के लिए, और एक हाथ में देखिए अलग अलग 5 कलर की नेल पेंट लगी मिलेंगी आपको, और एक हाथ में कुछ भी नहीं है। ये मैं लेने गई थी तो ट्राई कर रही थी, तो इसलिए अलग अलग लगा ली है। तो कैसी लग रही हूँ मैं, कमेंट जरूर कीजिएगा। रेड क्यों हो गए? मेरी वीडियो खराब मत करो। तो चलो भाई, टाइम हो गया है बच्चों को लाने का, तो जल्दी से अब हो जाते हैं बच्चों को लाने के लिए रेडी। अब कुछ तो करो, जब मिले थोड़ी फुर्सत। तो फैमिली मैं सो गई थी और अभी उठी हूँ। हाय भाई, एकदम से गर्मी लगी बहुत तेज। तो भाई अभी अभी उठी हूँ सो के, और नींद आ गई थी, पता नहीं क्या चक्कर होता जा रहा है, थक जाती हूँ अपने, अभी नींद आने लगी है।
तो अभी टाइम हुआ है 5 बज गए करेक्ट। कैसे भूत बन रहे हो ना, मतलब लग रहा है यार कर ले खुद तो कुछ कर ले। किशन नीचे कोई बोल रहा है, ज्योति आ गई। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। बहुत सुंदर लग रहा है। थैंक यू। ये मीना दीदी बुला रही है वहां। चल मीना भाभी के वहीं पे हो गया है। हाँ कैमरा ऑन है। तो मैंने ये सब ले लिया ना। हाँ अरे मैं सुबह मैं सो गई, पता नहीं क्या हुआ था, बच्चों को लाके स्कूल से घर नहीं थी क्या कैसी थी, मेरे को ना ऐसा हो गया सो जाना पड़ गया, फिर मैं सो गई। और सोच सुबह से रही हूँ कि नेल पेंट लगाऊंगी, मैं फाइनली अब लग गई है, मुझे पता था ना जब थी शाम तक आएगी। अरे वाह थैंक यू। देखो भैया मैं ऐसे होनी चाहिए ना फ्रेंड्स, एक दूसरे का दिन बना दे है ना। स्पेशल डे जब भी लगता है तो फैमिली, तो फैमिली देखो मैं फिर से हो गई हूँ बन ठन के तैयार, हैप्पी बर्थडे गर्ल बन के, क्योंकि मेरी फ्रेंड ने मुझे तैयार करा ऐसे के लिए, चल कहीं चलते हैं घूमने चले अब कहीं। तो मैं हो गई हूँ यार रेडी, रेडी सेडी गो। चल अच्छा ठीक लग रही ना, बढ़िया चल रहे ना, देख रहे हैं चल रहे ना तो रेडी शेडी होके हम आ गए थे कैफे पे। हमारा जो कैफे है उसी के ऊपर जो है ना रेंट पे भाभी हैं, उन्होंने ले रखा है, वो यहाँ पे बुटीक और पार्लर रन करती हैं। और 2-3 दिन पहले मेरी फ्रेंड का बर्थडे था तो मैंने और भाभी ने मिलके उसको सरप्राइज़ दिया था, यहाँ पे केक कटिंग कराई थी। मुझे लगा आज ये दोनों मेरे लिए कर रहे हैं, लेकिन सरप्राइज़ तो कुछ और ही था। मेरी बेटी ने एक रात पहले ही मेरी सारी देवरानी जिठानियों को, फ्रेंड्स को और मेरी सिस्टर को, सभी को ना सरप्राइज़ में शामिल कर लिया था और मेरी बर्थडे पार्टी अरेंज करी थी सरप्राइज़। तो बस नीचे वही सब लोग बैठे हैं और मैं सोच रही थी बस यही दो हैं, केक कटवाएंगे, पर भाई सरप्राइज तो कुछ और ही था। एक और भी इडली मंगाई मैंने, आ रही है नहीं इडली और मत मंगा। बनवाओ गोलगप्पे की चटोरी बचपन से दिल्ली की। तो फाइनली फैमिली मैं आ चुकी हूँ घर पे और आज मेरी बेटी ने सरप्राइज दिया, बहुत 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 अच्छा लगा मुझे। और अब टाइम है गिफ्ट्स खोलने का, तो बेटी तो लग गई है यहाँ पे गिफ्ट्स खोलने के लिए। आ रहा है बेटा। तो फैमिली यहाँ मेरे गिफ्ट सारे खुल चुके हैं, चलिए अब आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मुझे गिफ्ट में क्या क्या मिला है। तो सबसे पहले तो ये कोट सेट आपने देखा ही था जो मैंने सुबह पहना था, तो ये था मेरा पहला गिफ्ट। देखो भाई सबसे पहला गिफ्ट तो मेरा ये कोट सेट था जो मैंने आज सुबह पहना था। उसके बाद ये फ्लावर्स मेरी फ्रेंड ज्योति ने दिए थे, बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही प्यारे, बहुत ही क्यूट से। तो ये फ्लावर्स हैं जो मेरी फ्रेंड ने दिए थे ज्योति ने, और इसी के साथ साथ ये सूट भी दिया है उसने, ये वाला बहुत ही प्यारा है। और वो बोल रही थी बिल्कुल सेम ऐसा, वो भी लेके आई है तो सिलवा लियो फिर दोनों ट्विनिंग करेंगे। मेरी एक जिठानी है सविता दीदी जो व्हाइट सूट में थी, उन्होंने दिया है ये इस तरह का है सेट है ये। तो वीडियो में जब हम डांस वगैरह कर रहे हैं ना तो आपको पता चल जाएगा जिन्होंने व्हाइट सूट पहन रखा था, जिठानी लगती है मेरी सविता दीदी, उन्होंने ये दिया है।
और ये दी है साड़ी ज्योति दीदी ने, जिन्होंने ब्लैक कलर का सूट पहना हुआ था उन्होंने। ये भी काफी अच्छी साड़ी है, येलो कलर की है, येलो और व्हाइट। ये है इसका ब्लाउज और इसके ऊपर ना ये हिरन बने हुए हैं, तो ये भी अच्छी है काफी साड़ी, येलो और व्हाइट कलर में। ये जिसने रेड कलर का कोट सेट पहन रखा है, मेरी देवरानी, इकलौती देवरानी थी आज की पार्टी में, वैसे एक दो और है, तो रुचि, तो रुचि ने दिया है मुझे ये गिफ्ट। तो ये पोटली बैग है येलो कलर का, अच्छा है, काफी क्यूट सा है, ये देखो इस तरह से, और इसके अंदर भी सामान है। तो ये ब्लैक कलर के कड़े हैं, इसमें ये एक सेट है, ये नेक का है, नेक और एक नेक का है सेट, ग्रीन कलर का, ग्रीन और पर्ल्स के साथ चोकर जैसा सा कुछ, अच्छा लग रहा है ये भी। और इसके साथ इसके इयररिंग्स है, ये एक रिंग है ब्लू कलर की, एक ये बोपिन है, मतलब है मेरी देवरानी ने रेड कलर का कोट सेट जिसने पहना था रुचि, उसने दिया है। ये साड़ी मुझे दी है मीना भाभी ने, और जिन्होंने वो पहना हुआ था राजस्थानी पोशाक पहनी हुई थी ना, और व्हाइट कुर्ता पहना हुआ था उन्होंने, हमारे कैफे के ऊपर उन्हीं का बुटीक और पार्लर है, तो उन्होंने दी है मुझे ये, और बहुत ही प्यारी सी साड़ी है, ये देखो इतनी प्यारी सी। तो ये दी है मीना भाभी ने, और ये दी है मुझे नीतू भाभी ने, जो कि आप जानते हो नीतू शर्मा, जिन्होंने पैरेट कलर का सूट पहना हुआ था, वो मेरी भाभी भी लगती है, मेरी जिठानी भी लगती है, तो ये गिफ्ट उन्होंने दिया है। ये बोरोसिल का है सेट बाउल का, तीन बाउल है इसमें, ये तो ये उन्होंने दिया है। तो ये गिफ्ट दिया है मुझे, लगती तो जिठानी है पर मैं नाम लेके बोलती हूँ क्योंकि हम लोग फ्रेंड्स ज्यादा हैं, पूनम ने, जिसने ग्रीन कलर का, हाँ ग्रीन से कलर का, पाकिस्तान ग्रीन से कलर का कोट सेट पहना हुआ था उसने, तो ये वाला गिफ्ट दिया है पूनम ने, बहुत ही प्यारा सा क्लच है, बहुत अच्छा लगा, गिफ्ट तो सारे एक नंबर है, बढ़िया गिफ्ट दिया है मुझे पूनम ने। और ये गिफ्ट दिया है मुझे आरती दीदी ने, मेरे ख्याल से व्हाइट ही सूट पहन रखा था शायद, एक और थी ना थोड़ी छोटी हाइट की, वो भी मेरी जिठानी लगती है आरती दीदी, तो उन्होंने एक तो मुझे ये दिया है सेट गले का, इसके साथ के इयररिंग्स भी हैं, और एक इयररिंग्स ये दिए हैं साथ में, तो उन्होंने ये दिया है। बेटी ने मेरे लिए सरप्राइज प्लान करा था, और इतने शॉर्ट नोटिस पे वो लोग आए, मेरे लिए तो वही बहुत बड़ी बात है, गिफ्ट्स तो मैं अलग से बोनस पॉइंट मान रही हूँ अपने लिए। एक ये गिफ्ट दिया है मेरे बेटे ने, मतलब वैसे तो बेटे हस्बैंड आप सबका ही लगा सकते हो, पर स्पेशली मैं बेटे का कहूंगी क्योंकि बेटी की तरफ से है पार्टी और बेटे की तरफ से है ये गिफ्ट, तो ये दिखाती हूँ आपको। ये ऑनलाइन मंगाया गया है, मेरा नाम पहले गलत कर दिया पापा। तो देखो भाई ये इस तरह से ब्लॉक हैं, लकड़ी के ब्लॉक्स हैं, ये देखिए इस तरह से, तो ये है, इस पे लिखा है पापा, फिर है ये है पापा, फिर है ये मम्मी, ये एक तरह से फैमिली के लिए गिफ्ट है। ये देखो ये पापा है, मम्मी है, फिर ये मेरी बेटी का नाम लिखा है कनक, केशव ऐसे इरिटेट नहीं करूं, तो ये लिखा है कनक, और ये मेरे बेटे का नाम लिखा है केशव, ये किसी इंस्टाग्राम पेज से मंगाया था मेरे हस्बैंड ने, मेरे बेटे ने पसंद किया था, मतलब कि पापा ये ले लो, पर भाई मैं क्या ही बोलूँ, मैं कुछ नहीं बोलूंगी, मैं तुम्हारे लाल में। और ये एक हार्ट है जो इस पूरी पजल को कंप्लीट करता है और लॉक भी कर देता है ताकि ये खुले नहीं, और अब इसे आप कहीं भी टेबल वगैरह पे कहीं पे भी इस तरह से रख सकते हो। ये गिफ्ट दिया है मुझे मेरे बेटे ने, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये गिफ्ट दिया है मुझे मेरे हस्बैंड ने, पहना भी दो नहीं? ये देखो भाई ये गिफ्ट दिया है मेरे हस्बैंड ने ब्रेसलेट, इस साथ में पहनूंगी, और स्कूटी तो आप लोगों ने देखी है, वो तो पहले आ गई थी भैया, पहले आ गई थी ना तो वो अब काउंट नहीं हो रही है, इसीलिए पहले वाले नहीं देना चाहिए, हमेशा ना बर्थडे पे गिफ्ट दे देना चाहिए, बाद में शक हो जाए, वरना वो तो ऐसा लगता है ये तो मैं इंक्लूड ही नहीं करूंगी, ये तो मान ही नहीं जाएगी। तो भाई देखो ये है मेरा बर्थडे गिफ्ट जो मुझे दिया है मेरे पति देव ने, मेरे हस्बैंड ने, देखो प्यारा लग रहा है यार, अच्छा लग रहा है। सारे गिफ्ट जो मुझे मिले हैं मेरे बर्थडे पे, बहुत मजा आया, बहुत इंजॉय किया। और हाँ मेरी सिस्टर ने अभी जो है केक वगैरह ऑर्गेनाइज उसी ने करा था, और वो कह रहे कि एक सूट ड्यू है क्योंकि आज मैं जल्दी जल्दी में आई हूँ तो मैंने लाई, तो अपने आज का व्लॉग थोड़ा स्पेशल था, सरप्राइज था मेरे लिए जो कि मेरी बेटी ने प्लान करा था, बहुत अच्छा लगा मुझे,
भगवान सबको ऐसी बेटी दे, सबको ऐसा सरप्राइज दे और ऐसी अच्छा अच्छा सबका बर्थडे जाए जैसा मेरा आज का गया है। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, सबसे ज्यादा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ और इसी तरह से चैनल पे बने रहे, मेरा सपोर्ट करे। फिर मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।